नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे से ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एकलव्य की। एकलव्य के बारे में आपने अवश्य सुना होगा और एकलव्य एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, ये तो आपने सुने ही सुना होगा। आपने एक बात और भी सुनी होगी कि एकलव्य ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के तौर पर अपना दाहिना हाथ का अंगूठा काट दिया था या उनको दान में दे दिया था, गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन क्या ये सही है? क्या गुरु द्रोण ने अपने स्टूडेंट से, अपने शिष्य से अंगूठा मांगा था? और क्या ये सही है कि एकलव्य ने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा काट कर दे दिया था? इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं एकलव्य के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एकलव्य एक आदिवासी परिवार के थे, एक वनवासी परिवार के थे और एकलव्य के मन में विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनने की इच्छा थी और इसी इच्छा को पूरी करने के लिए वो एक बार गुरु द्रोण के आश्रम में गए और गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जाहिर की। लेकिन गुरु द्रोण ने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कहते हैं कि गुरु द्रोण ने उन्हें इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो आदिवासी थे या शूद्र थे, लेकिन ये सही नहीं है। गुरु द्रोण ने जो मना किया उसके पीछे दूसरा कारण था। उसका कारण यह था कि गुरु द्रोण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी भी राज परिवार के बच्चों के अलावा किसी को भी धनुर्विद्या या शिक्षा नहीं दूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल आदिवासी या शूद्रों को ही शिक्षा नहीं दी, उन्होंने किसी को भी नहीं दी। जो भी राज घराने के बच्चे थे केवल उन्हीं को वो शिक्षा देते थे, इस प्रकार की उनकी प्रतिज्ञा थी। और इसी प्रतिज्ञा के चलते उन्होंने उनको मना किया था, एकलव्य को मना किया था। लेकिन एकलव्य को तो महान धनुर्धर बनना था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि जंगल में जाकर और गुरु द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे और कुछ दिन बाद वो एक बहुत ही कुशल धनुर्धर बन गए। जब ये बात गुरु द्रोण को पता चली कि एकलव्य बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर बन चुका है, तो उन्हें अर्जुन को दिया हुआ जो प्रॉमिस था, अर्जुन को किया हुआ जो प्रॉमिस था वो याद आया, क्योंकि गुरु द्रोण ने अर्जुन से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। जब गुरु द्रोण को पता चला कि एकलव्य भी एक महान धनुर्धर बन चुका है, तो वो उससे मिलने के लिए उसके कुटिया में गए, यानी एकलव्य के पास गए और उन्होंने एकलव्य से बोला कि तुमने मेरी प्रतिमा के सामने धनुर्विद्या सीखी है, इसका मतलब ये है कि आप मेरे शिष्य हुए और मैं आपका गुरु हुआ। इस नाते आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप मुझे गुरु दक्षिणा दो। इस बात के लिए एकलव्य तैयार हो गए, क्योंकि एकलव्य सही में भी गुरु द्रोण को अपना गुरु ही मानते थे। तो उन्होंने कहा कि जो आपको चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। तो गुरु द्रोण ने कहा कि आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप कभी भी अर्जुन के खिलाफ कभी युद्ध नहीं करोगे, उनके सामने कभी शस्त्र नहीं उठाओगे और उनके सामने कभी भी अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करोगे। तो यही बात थी, सिर्फ ये बात थी कि उन्होंने ये प्रॉमिस करवाई थी उनसे, ना कि उनका अंगूठा मांगा था और ना ही एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दे दिया था। जब ये प्रॉमिस के लिए उन रेडी हो गए एकलव्य, तब एकलव्य ने कहा कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि आपने तो मेरा अंगूठा ही मांग लिया। तो ये थी जो एक्चुअल बात है, वो ये थी, ना कि अंगूठा मांगने की कोई बात थी और ना ही एकलव्य द्वारा कोई अंगूठा दिया गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा।